मेजर शैतान सिंह जी जो थे इन वो जो उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी थे, जो कि राजस्थान के जो कि जोधपुर राजस्थान की रॉयल फैमिली, मतलब नॉट एक्चुअली रॉयल फैमिली लेकिन एक जो सामंत वाली फैमिली होती है वहां से बिलोंग करते थे। उनके जो पिता वो कुमाऊं रेजिमेंट के हिस्सा हुआ करते थे ड्यूरिंग द इंडो साइनो वॉर। जब ये वॉर हो रहा था तो कुमाऊं रेजिमेंट की 13th जो बटालियन है वो उसको लीड कर रहे थे, और वहां पर उनको चुसुल सेक्टर, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि चुसुल सेक्टर जो एयरबेस एयरफील्ड्स के रिलेटेड थी, वहां पर 5,000 मीटर अबव द सी लेवल उनको डिफेंड करना था। ये पोजीशन सिंह जी अपनी टीम के साथ शैतान सिंह जी जो है उसको लीड कर रहे थे या डिफेंड कर रहे थे। 18th नवंबर 1962 को रेजंगले जो ये एरिया था उस पर चाइनीज ने सोल्जर्स ने अटैक किया। यहाँ पर इंडियन प्लेटून्स ने एनिमी के ऊपर राइफल, मोर्टल या मशीन गन, जिससे भी वो हो सके, जितनी आर्मी की अमिनेशंस थी उससे कॉम्बैट करने की कोशिश की एनिमी को, और काफी एनिमी के सोल्जर्स को मार भी दिया। लेकिन फिर भी चाइनीज सोल्जर्स इसकी वजह से कोई डिमोरलाइज नहीं हुए और वो आगे बढ़ते ही चले गए। आर्मी फिर भी अपने, मतलब जो इंडियन आर्मी है उन्होंने फिर भी अपने पोजीशन को छोड़ा नहीं, इवैक्यूएट नहीं किया, और लगातार जो एनिमी था उसको एनिमी को कॉम्बैट करती चली गई। अब इसके बाद जो चाइनीज फोर्स थे या चाइनीज लोग थे, उन्होंने इसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बदली और उन्होंने डिसाइड किया कि वो मतलब पीछे से, जो अभी फ्रंटल अटैक हो रहा था उसको रियर अटैक करके पीछे से अटैक करेंगे। और जो जितने भी अलग अलग जगहों पे जो छोटे छोटे प्लेटून्स थे, प्लेटून 7, प्लेटून 8, जो कि साइड में ओवरसी कर रहे थे, सबको इंडिविजुअली अटैक करना शुरू किया एनसर्कल कर करके। ऐसे में प्लेटून 7 और प्लेटून 8 पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद शैतान सिंह जी ने अपने अपने आप को काम रखा और अपने जो अपने सारे के सारे प्लाटून की तरफ धीरे धीरे जाते रहे और उन सबको एनकरेज करते रहे कि अपने पोजीशन को मत छोड़ो और फाइट करते जाओ। डिस्पाइट द ट्रिपल साइडेड अटैक जो कि चाइनीज ने किया था, उसके बावजूद वो मतलब उसके उसके बावजूद उन लोगों ने किसी तरह से, उन्होंने अपनी मतलब हिम्मत नहीं हारी, और वो बुरी तरह से मतलब वुंडेड होने के बावजूद इन लोगों ने पूरी तरह से उसको कॉम्बैट करने की कोशिश की। ऐसे सिचुएशन में एक जगह जब मेजर शैतान सिंह जी बिल्कुल गिरने गिरने हो गए थे, तब उनके दो लोग आए और वो उनको बचाने के लिए कह रहे थे। जब वो वहां पहुंचे बट उन्होंने रियलाइज किया कि उनको इवैक्यूएट करने के चक्कर में इनके जो दो जवान है वो भी शहीद हो जाएंगे, तो उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो उनको वहीं कि जो उनको वहीं छोड़ करके जो सोल्जर्स हैं वो अपनी जान बचाएं और पोस्ट को बचाएं। और इवेंचुअली इसकी इतनी इतने मेहनत की वजह से जो फाइनली इंडियन जो सोल्जर्स थे, इन्होंने रेजन ले का ये जो पोस्ट है उसको, डिस्पाइट बीइंग हेविली आउट नंबर्ड एंड डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग यू नो पोजिशन स्ट्रॉन्ग आर्मिनेशंस, उन्होंने इवेंचुअली ये पोस्ट को सेव कर लिया। अनफॉर्चुनेटली इस पोस्ट को बचाने के में हमारे 123 सोल्जर्स जो वहां पे डिप्लॉयड थे, उसमें से 109 सोल्जर्स की जान हमें हमें खोनी पड़ी, लेकिन इवेंचुअली हमने इस पोजिशन को बचा लिया। वॉर खत्म होने के बाद शैतान सिंह जी की बॉडी उसी जगह पर मिली जहां पे उनके दो सोल्जर्स ने उन्हें छोड़ दिया था, जिस पत्थर के पीछे उनको छुपा के गए थे वहीं पर मेजर शैतान सिंह जी की बॉडी मिली। और इसी बीच उन्होंने कभी अपनी जान वहां पे गंवा दी होगी हमें नहीं पता, बट उनके एक करेज की वजह से हमने एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो कि मतलब शायद हम जो कि चाइनीज जो कि बहुत ही एक रेयर पोजीशन था, जो कि चाइना वॉर में हम बुरी तरह से हार रहे थे, बट फिर भी मेजर शैतान सिंह जी की वजह से हम एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट को बचाने में सक्सेसफुल रहे, और जिसकी वजह से उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र अवॉर्ड किया गया।